मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 4 फ्रैक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट 15 वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रमेश ऑर्डर्ड 11 होल 11x12 kg ऑफ वुड एंड यूज 8 होल 5x12 kg फॉर मेकिंग अ पीस ऑफ फर्नीचर। हाउ मच वुड इज रमेश लेफ्ट विथ। तो जहाँ लेफ्ट आता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं, रमेश इतना kg वुड जो है ऑर्डर किया और इतना kg वुड को यूज किया फर्नीचर बनाने में। तो रमेश के पास कितना वुड बचा, तो निश्चित रूप से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वुड रमेश ऑर्डर्ड इक्वल टू 11 होल 11x12 kg एंड क्वांटिटी ऑफ वुड ही यूज्ड फॉर मेकिंग अ पीस ऑफ फर्नीचर इक्वल टू 8 होल 5x12 kg। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वांटिटी ऑफ वुड लेफ्ट विथ रमेश इक्वल टू क्या होगा, 11 होल 11x12 माइनस 8 होल 5x12 kg। अब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। तो सब्ट्रैक्शन आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 11 इंटू 12 प्लस 11x12 लिखेंगे, माइनस 8 इंटू 12 प्लस 5x12 लिखेंगे, इसको होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर इक्वल टू 11 इंटू 12 132 प्लस 11x12 माइनस 96 प्लस 5x12 इक्वल टू 132 प्लस 11 143x12 माइनस 101x12। अब ये लाइक फ्रैक्शन ही है स्टूडेंट्स, तो लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो ये हो गया 143 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 42x12। अब 42x12 को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल लोएस्ट टर्म में स्टूडेंट्स 7x2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर 6 है ना। तो 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे और 6 को इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, तो 7x2 kg हो गया स्टूडेंट्स। ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लोएस्ट टर्म में। आप आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहते हैं तो 3 होल 1x2 होगा, क्योंकि 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 कोशेंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा और 2 डिवाइजर है, तो 3 होल 1x2 ए आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हनी बेक्ड अ केक, सी यूज्ड 4 होल 5x8 कप्स ऑफ फ्लोर एंड 3 होल 1x8 कप्स ऑफ सुगर। हाउ मच मोर फ्लोर देन सुगर डिड हनी यूज। तो हनी क्या किया, एक केक बनाया, उसमें 4 होल 5x8 कप्स फ्लोर यूज किया और 3 होल 1x8 कप्स सुगर यूज किया। तो क्वेश्चन है कि कितना फ्लोर ज़्यादा यूज किया शुगर से, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि फ्लोर ज़्यादा यूज किया है, शुगर कम यूज किया है। तो कितना ज़्यादा फ्लोर यूज किया गया है शुगर से, तो इतना माइनस इतना करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्वांटिटी ऑफ फ्लोर यूज इक्वल टू 4 होल 5x8 कप्स। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 8 जा 32 और प्लस 5 37x8 कप्स हो गया। एंड क्वांटिटी ऑफ शुगर यूज इक्वल टू 3 होल 1x8 कप्स इक्वल टू 3 8 जा 24 प्लस 1 25x8 कप्स हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ डिफरेंस इक्वल टू 37x8 माइनस 25x8, 37x8 माइनस 25x8, दोनों लाइक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। तो 37 माइनस 25x8 हो गया, नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कॉमन डिनोमिनेटर लिखें, इक्वल टू 12x8। अब 12x8 ए लोएस्ट टर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 3 एंड 4 2 जा 8 2, तो 3x2 आ गया आपका लोएस्ट टर्म में, ये 3x2 कप्स। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 1 होल 1x2 कप्स, 1.5 कप्स होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कोशेंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 होल 1x2 कप्स। सो हनी यूज्ड 1 होल 1x2 कप्स मोर फ्लोर देन सुगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पुलकित लिव्स 93x10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्कूल एंड हिज क्लासमेट राघव लिप्स 6 होल 1x10 किलोमीटर अवे।
हाउ मच फार्दर डज पुलकित लीव देन राघव फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की पुलकित जो है अपने स्कूल से 93/10 किलोमीटर दूर रहता है और राघव जो है अपने स्कूल से 6/10 किलोमीटर दूर रहता है। तो क्वेश्चन है कि पुलकित कितना ज़्यादा दूर रहता है स्कूल से राघव से, मतलब पुलकित का घर राघव से कितना ज़्यादा दूर है, है ना, दोनों के स्कूल से। तो पुलकित का घर ज़्यादा दूर है तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पुलकित्स होम फ्रॉम स्कूल इक्वल टू 93/10 किलोमीटर। इतना किलोमीटर पुलकित का घर है स्कूल से स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस ऑफ राघव्स होम फ्रॉम स्कूल है 6/10 इक्वल टू 61/10 किलोमीटर। तो निश्चित रूप से पुलकित का घर ज़्यादा दूर है स्टूडेंट्स। तो पुलकित का घर कितना ज़्यादा दूर है राघव की अपेक्षा स्कूल से, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, 93/10 किलोमीटर माइनस 61/10 किलोमीटर। तो डिफरेंस इक्वल टू हो गया 93/10 माइनस 61/10 इक्वल टू 93 माइनस 61/10 इक्वल टू 32/10 किलोमीटर। अब 32/10 किलोमीटर ये लोएस्ट टर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे 32 को भी और 10 को भी, तो कितना आ जाएगा 16/5 आ जाएगा। तो 16/5 ये लोएस्ट टर्म में हो गया स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, 3 आएगा कोशियंट, 1/5, मतलब 3/5 रिमाइंडर आया 1, तो 3/5 किलोमीटर आंसर आया। सो पुलकित लिव्स 3/5 किलोमीटर फार्दर देन राघव फ्रॉम द स्कूल। इसलिए पुलकित जो है 3/5 किलोमीटर ज़्यादा दूर रहता है राघव से, ठीक है।